Okay, students, so today we will read the first chapter of science of class 1. The name of chapter is what? Plants around us. What is the name of chapter? The name of chapter is plants around us. Okay, so we all know that before reading the chapter, we always do the hard words. After then we come to the topics of the given chapter. Okay, as the name of chapter is what? Plants around us. So first word which we don't know here is what? Plant means, you better know, plant means podha. P-L-A-N-T, plant. Plant means podha. Okay, what is the meaning of plant? Plant means podha. And then after plant, around. A-R-O-U-N-D, around. Around means charo or. Around means charo or. Okay, then after us, U-S. Us means hum log. Plant around us. मतलब हम लोगों के चारों तरफ जो भी पौधा है, जो भी प्लांट्स है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. मींस हमारे चारों तरफ कैसा कैसा प्लांट होता है, किस तरह का प्लांट होता है, ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड स्टार्ट फ्रॉम द हार्ड वर्ड दैट इज अराउंड. अराउंड, ए आर ओ यू एन डी. अराउंड, अराउंड मींस व्हाट? चारों ओर. अराउंड मींस चारों ओर. The next word which we have to read well is what? Important. Important. I-M-P-O-R-T-A-N-T. Important. Important means महत्वपूर्ण. Important means महत्वपूर्ण. जो काफी जरूरी है, काफी महत्वपूर्ण है. Okay, that is important. After then, part. P-A-R-T. Part. Part means भाग या हिस्सा. किसी भी चीज का पार्ट. जैसे बोला कि सम पार्ट ऑफ दिस बोर्ड, तो बोर्ड का कुछ हिस्सा, कुछ भाग. ओके, तो पार्ट मींस भाग या हिस्सा. देन आफ्टर मेक, एम ए के ई. मेक, मेक मतलब क्या होता है? बनाना, कोई भी चीज बनाना. पेन बनाना, पेंसिल बनाना, मार्कर बनाना, बोर्ड बनाना, खाना बनाना, कुछ भी बनाना. मेक, मेक मींस बनाना. ठीक है. प्रोवाइड, पी आर ओ वी आई डी ई. प्रोवाइड, प्रोवाइड मींस देना. प्रोवाइड मींस व्हाट? देना. ओके, आफ्टर देन अस. अस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. यू एस. अस मींस हम लोग. आफ्टर देन मेनी, एम ए एन वाई. मेनी, मेनी मींस कई, अनेक, बहुत. ओके, आफ्टर देन डिफरेंट. डिफरेंट मींस अलग अलग या अलग. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस. यू आर डिफरेंट फ्रॉम हिम या हर. तो तुम उससे अलग हो. Means अलग अलग, भिन्न भिन्न. Different means अलग अलग, भिन्न भिन्न. Okay, then after function, function, F U N C T I O N. Function, function means कार्य. काम करते हो ना तुम लोग, कोई भी काम करते हो, तो कौन सा काम कर रहे हो? That is called function. Means काम करना, means function करना. Okay, what are the function of plant? What is the function of animal? What is the function of board? What is the function of marker? Marker का क्या काम है? Board का क्या काम है? मतलब भाई, marker का काम है लिखना, board का काम क्या है? लिखवाना. मतलब इसमें लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो function means कार्य. Then after, next word is do. Do, D-O, हमेशा बोलते हैं do this work. ये काम करो, करो. Do किसके लिए? करने के लिए. Do means करना. D-O, do. Do means करना. After then below, B-E-L-O-W. Below, below means नीचे. Below means नीचे, नीचे. बोले below the soil, soil के नीचे. Okay, ground, G-R-O-U-N-D. Ground, ground means सतह. अब बोले below the ground, मतलब सतह के नीचे, जमीन के नीचे. Ground मतलब सतह या जमीन. Okay, after then above, above, A-B-O-V-E. Above, above मतलब ऊपर. Above means what? ऊपर. Then after carry, C-A-R-R-Y. C-A-R-R-Y. Oh, C-A-R-R-Y. Okay, देखो बहुत सारे होगा अभी क्लास वन में तुम लोगों, बट तो मैं एक्चुअली हायर क्लास में पढ़ाता हूँ.
इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि CARY बोलना जो है क्या होता है, गलत होता है। हाँ, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसमें ग्रामेटिकली इसको क्या कर दिया जाएगा, गलत कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलो तुम लोग CARY पढ़ो या RRY, कोई बात नहीं, तुम लोग बच्चे हो। ओके, CARY या CARRY, कैरी। कैरी मीन्स ढोना, किसी चीज को लेकर जाना, ढोना, दैट इज कॉल्ड। अब कैरी द बैग ऑफ व्हीट, गेहूं का थैला जो है ढो रहे हैं। ठीक है, ढोना, ठीक है, तो कैरी करना, एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना, दैट इज कॉल्ड कैरी। ओके, समटाइम्स मतलब कभी कभी, कुछ समय मीन्स कभी कभी, SOMETIMES, समटाइम्स, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, ये टू दिया हुआ है इसका मतलब दो बार कभी। ओके, कभी टू बार, टू टाइम्स। ओके, inside, 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 inside means अंदर, inside means अंदर, किसी चीज के अंदर, ground के अंदर, soil के अंदर। ओके, box के अंदर मतलब box, पेटी, bag के अंदर, inside the bag, inside the room, inside the, ठीक है, तो अंदर। grow, GROW, grow मतलब बड़ा होना, बढ़ना। ठीक है, बड़ा होना, प्लांट जो है छोटा से बड़ा होता है, मींस प्लांट ग्रो करता है, सीड से जो है नया प्लांट ग्रो करता है, मतलब नया प्लांट निकलना, ग्रो करना, बढ़ना। ठीक है, ग्रो, GROW, ग्रो मींस बढ़ना। नेक्स्ट वन इज बड, BUD, बड, बड मींस कली। देखते हो फूल पहले क्या होता है, कली के फॉर्म में होता रहता है, उसमें फूल छुपा रहता है, देन आफ्टर जब वो एक्सपैंड करता है, फैलता है, तो उसमें से फ्लावर निकलता है, वो बड, बड मींस कली। देन आफ्टर काइंड्स, KINDS, kinds मतलब प्रकार। How many kinds of flower? How many kinds of plant? How many kinds of mango? How many kinds of guava? भाई मतलब kinds मतलब प्रकार। Mango कितना प्रकार का होता है? अमरूद कितना प्रकार का होता है? जानवर कितने प्रकार का होते हैं? पौधा कितना प्रकार का होता है? बेंच कितना प्रकार का होता है? टेबल कितना प्रकार का होता है? मार्कर कितना प्रकार का होता है? बोर्ड कितना प्रकार का होता है? Means kind means what? प्रकार। ओके, आफ्टर देन काइंड्स मींस प्रकार। होल्ड, होल्ड इट मतलब इसको पकड़ के रखो, होल्ड मींस पकड़ना, होल्ड मींस व्हाट, होल्ड मींस पकड़ना, मींस पकड़ के रखना, होल्ड मींस पकड़ना। ओके, तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया, हार्ड वर्ड कर लिया। अब हार्ड वर्ड जैसे ही हम लोग कर लिए, तो आप लोगों के लिए ये काम हो गया, ये ड्यूटी है, ये आपका होमवर्क है कि आप लोग पूरा ये वर्ड मीनिंग याद कर लोगे, और याद कर लेंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर को। ओके, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, अब वो सब हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर को कि क्या क्या है इस चैप्टर में, किस चीज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों का चैप्टर का नाम तो क्या है, प्लांट्स अराउंड अस, प्लांट्स अराउंड अस हमारे चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट पे देखेंगे। एक्चुअली यदि हम लोग डिस्कस करें प्लांट का, तो प्लांट जानते हो कहीं भी, किधर भी, जहां देखोगे उधर मिल सकता है। मीन्स प्लांट कैन बी फाउंड ऑन लैंड, प्लांट कैन बी फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, डिजर्ट, माउंटेन्स, कहीं पर भी, मतलब बीच एंड एवरीवेयर, गार्डन, पार्क, हाउस, हर जगह तुमको प्लांट जो है कहीं भी। इट कैन ग्रो एनीवेयर, प्लांट कैन ग्रो एनीवेयर। हाँ, अब ये मत सोचना कि कोई भी प्लांट कहीं भी ग्रो करेगा, नहीं, सारे प्लांट्स जो है उनका जो लिविंग कंडीशन होगा वो अलग अलग होगा सबका। अब कौन कहाँ पर अच्छा से ग्रो करेगा वो अलग बात है, ठीक है, मगर प्लांट जो है हर जगह हम लोग को देखने को मिलता है, माउंटेन पर भी मिलेगा। राजगीर गए थे तुम लोग घूमने, तो दिखना दिखा था बहुत सारा प्लांट्स माउंटेन पे, है कि नहीं, माउंटेन पे भी मिलेगा, डिजर्ट में भी मिलेगा, ठीक है, बालू वाला क्षेत्र में देखते हो डिजर्ट में कैक्टस वगैरह ये सब, लैंड पे भी मिलेगा। अभी देखो स्कूल के सामने तुम्हारे पूरा जो है पेड़ भरा हुआ है, पूरा फील्ड में ग्राउंड है जो उधर पूरा जो है भरा हुआ है, पूरा पेड़ लगा हुआ प्लांट दिखता है। घर में भी तुम लोगों के फूल वगैरह का ये होता है, गमला में रोज वगैरह होगा, रोज, जैस्मीन, ये सब। खेत वगैरह में, फील्ड वगैरह ये देखोगे तुम लोग, गेहूँ, राइस मींस पैडी, वीट, मेज, पम्पकिन, वाटरमेलन, ककम्बर, ये सब मतलब तुम कहीं भी,
पानी में लोटस देखोगे मिलेगा, देखने को मिलेगा। ब्रायोफाइलम मीन्स डिफरेंट डिफरेंट, ब्रायोफाइलम पर ज्यादा जोर जोर मत डालना, वो बस बोल दिया हूँ प्लांट का एक टाइप है, ठीक है। तुम लोगों को नहीं जानना है, क्लास वन में जानना क्या, कुछ नहीं जानना है क्लास वन में, तो बस ऐसे ही मजाक मजाक में सीख लेना है, जो भी सीखना है हंसते खेलते पढ़ लेना है थोड़ा सा। देखो प्लांट का पार्ट का बात करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लांट के पार्ट का। तो प्लांट में क्या क्या पार्ट होता है, कौन कौन सा मेन पार्ट है प्लांट का? तो देखो मेन पार्ट है रूट है, स्टेम है और लीव्स है, ये तीन मेन पार्ट है। फ्लावर्स बर्ड्स ये सब तो फिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट मेनली तीन पार्ट रूट स्टेम एंड लीव्स। रूट प्लांट को किस चीज में हेल्प करता है? तो रूट हेल्प करता है प्लांट को वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करने में, सॉइल से, सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है रूट। और दूसरा दूसरा काम क्या करता है, तो पेड़ को पकड़े रहने में, मजबूती से जो है पकड़े रहने में, पेड़ जो है प्लांट जो है रूट के कारण ही स्थिर आराम से मजबूती से खड़ा रहता है। यदि रूट नहीं होता तो अच्छा से प्रॉपरली खड़ा हो पाना पॉसिबल नहीं था, ठीक है, प्लांट के लिए। इट मींस इट हेल्प्स टू होल्ड द प्लांट प्रॉपरली, प्रॉपर वे में, ढंग से, ठीक से, बढ़िया से, ठीक है, प्लांट को होल्ड करने में हेल्प करता है। और दूसरा काम के वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करने में सॉइल से, ठीक है। रूट का काम तो ये हम लोगों ने समझ लिया। स्टेम का फिर नेक्स्ट क्या है, स्टेम, स्टेम क्या है? तो स्टेम जो है स्ट्रेट रखता है प्लांट को, सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। और दूसरा जो वाटर एंड मिनरल रूट एब्जॉर्ब किया सॉइल से उसको लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है स्टेम, कौन, स्टेम। After then leaves का बात करें, leaves क्या है? तो leaves जो है देखो ये इसका काम क्या है, ये काम करता है प्लांट को ब्रीथिंग करने में, सांस लेने में, रेस्पिरेशन करने में, फोटोसिंथेसिस करने में। फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट खाना बनाता है ना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाई प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो प्लांट खाना बनाता है किसके लिए, खुद के लिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एक लाइन में तुम लोग बच्चा हो, तुम लोगों को जानना है तो तुम लोग बस इतना याद कर लोगे, The process of making food by plant is called photosynthesis, ठीक है। Photosynthesis का spelling क्या होता है? तो PHOTOSYNTHESIS, photo, PHOTOSYNTHESIS, photosynthesis, okay? Photosynthesis का मतलब क्या होता है? Process of making food by plant. ओके अब हम लोग देखेंगे फ्लावर का काम। तो फ्लावर देखो बहुत सारा फ्लावर जो है फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है, बहुत सारा फ्लावर हम लोग ऐसे ही फ्लावर को भी खाते हैं, बहुत सारा जो फ्लावर है वो यूज करते हैं हम लोग डेकोरेशन पर्पस के लिए, मतलब सजाने के लिए, घर वगैरह सजाने के लिए अच्छा लगता है ये सब। तो ये सारा डिफरेंट डिफरेंट काम है। हम लोग यदि देखें कि हाँ प्लांट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो प्लांट्स वी कैन फाइंड फाइंड प्लांट्स everywhere, in garden, in park, inside our home, okay, house, after then forest, jungle में हम लोग को plant देखने को मिलेगा, jungle में रहता है ना, forest, mountain, lakes, ponds, ये सब जगह पर तुमको plant मिलेगा। अब प्लांट का रूट वाला, रूट किसको, तो रूट जो ग्राउंड के इनसाइड, पहले ही बताया मैंने कि ग्राउंड के इनसाइड जो रहता है उसको बोलते हैं रूट। ग्राउंड के ऊपर जो होता है वो स्टेम, स्टेम से ऊंचा ऊपर लीव्स, ब्रांचेस, ये सब, ठीक है। तो जो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट होता है उसको बोलते हैं रूट, जो कि वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है प्लांट के लिए, ठीक है। अब देखो मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो सीड से ग्रो करता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट किस चीज से ग्रो करता है, सीड से। कैसे सीड से? तो जो सीड होता है ना उसमें प्लांट छुपा हुआ रहता है, इम्ब्रियो छुपा हुआ रहता है, मतलब जो है न्यू प्लांट जो होता है ना वो सीड का इनसाइड होता है। जैसे ही हम लोग उसको सॉइल में डालते हैं, सॉइल में अंदर रखते हैं, सॉइल के अंदर, ठीक है,
उसको ये कर देते हैं हम लोग क्या बोलते हैं सोइंग कर देते हैं मतलब बीज लगाना सो कर दिए सीड लगा देते हैं जमीन में सोइल में तो उसको अब वाटर एंड मिनरल मिल रहा है सनलाइट मिल रहा है सोइल का से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है सारा चीज मिलने के बाद कारण वो क्या करेगा वो सीड जो है निकलेगा उसमें से एक नया प्लांट मींस सीड का जर्मिनेशन होगा जर्मिनेशन मींस व्हाट ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम सीड्स आफ्टर गेटिंग एयर वाटर एंड वार्मथ मतलब पानी हवा और टेम्परेचर मतलब सनलाइट ठीक है वार्मथ मतलब टेम्परेचर गर्मी सनलाइट ये तीनों मिलने के कारण सीड से जो नया प्लांट ग्रो करता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड अब जब जर्मिनेशन ऑफ सीड हो गया तो सीड से नया नया प्लांट निकलेगा अब देखो बहुत सारा जो प्लांट होता है उसका सीड हम लोग खा जाते हैं बहुत सारा प्लांट होता है जिसका सीड खाते हैं जैसे व्हीट मेज किडनी बीन्स राजमा राजमा चावल खाते हैं ना राजमा चावल इज माय फेवरेट डिश सर राजमा बीन ये क्या बोलते हैं व्हीट मेज राइस ये सब जो है क्या है सीड है जिसे हम लोग क्या करते हैं कंज्यूम कर जाते हैं खा जाते हैं कंज्यूम मतलब होता है खाना ठीक है अब देखो बहुत सारा जो यदि हम लोग बात करें फ्रूट्स का ठीक है फ्रूट्स का तो फ्रूट्स फ्रूट्स जो है क्या जो एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट होता है जो प्लांट का जो एडिबल खाने वाला जो सिर के ऊपर जो फ्लेशी चीज होता है ना जो खाते हैं सेव खाते हो तुम लोग आम खाते हो तुम लोग अभी आम का दिन तो आ ही गया है खाते हो हा? तो अंदर सीड होता है और उसके ऊपर जो एडिबल एडिबल मतलब खाने वाला पार्ट खाने वाला जो गुद्दा होता है मांस आहार उसको हम लोग बोलते हैं अब ये जो क्या है फ्रूट फ्रूट जो है बहुत सारा फ्रूट में एक सीड होता है बहुत सारा फ्रूट में बहुत सारा सीड होता है तो एक सीड वाले फ्रूट जैसे देखो मैंगो मैंगो में कितना सीड होता है वन एंड ओनली वन सीड लीची कितना सीड होता है एक सीड मतलब वही देखो ग्वावा वाओ इतना सारा सीड होता है उसमें ढेर सारा वाटरमेलन अनेकों सीड होता है उसमें बहुत सारा सीड होता है पपाया बहुत सारा सीड होता है कि नहीं पपाया में एक सीड होता है नहीं बहुत सारा सीड होता है तो ये सब जो है मतलब सीड फ्रूट्स जो है बहुत सारे सीड वाले भी फ्रूट्स होते हैं और एक सिंगल सीड्स वाले भी फ्रूट्स होते हैं सिंगल सीड वाले फ्रूट देख लिया हम लोगों ने मेनी सीड्स वाले बहुत सारे सीड्स वाला फ्रूट कौन कौन होता है तो बहुत सारा एग्जाम्पल है पपाया ग्वावा वाटरमेलन कुछ भी बोल दो तुम्हारी मर्जी ठीक है अब देखो इसी में हम लोग देखेंगे कि ट्री का जो थिक हार्ड और उडी पार्ट होता है उडी स्टेम जो मोटा हार्ड मतलब कठोर और लकड़ी एकदम लकड़ी उडी उडी ठीक है लकड़ी टाइप ठीक है जला जो लकड़ी हम लोग यूज करते हैं बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट फर्नीचर पर्पस के लिए या फिर मतलब सिंपल सा वुड का जो स्टेम होगा ये मैंगो का स्टेम होगा सीसम का स्टेम होगा सीसो का पेड़ जानते हो ना सीसम का तो हम ग्वावा का पेड़ होगा मतलब ये सब का जो स्टेम होता है कितने मोटा मोटा होता है मजबूत होता है हार्ड होता है ये सारे स्टेम को हम लोग बोलते हैं ट्रंक क्या बोलते हैं ट्रंक बोलते हैं टी आर यू एन के ट्रंक means the thick hard and woody stem of any plant is called trunk usko hum log kya bolte hain trunk bolte hain ab dekho plant jo hai different different types ka hota hai plant different different types ka hota hai matlab kuch plant ka stem weak hota hai kuch plant ka stem jo hai strong hota hai kuch plant jo hai client ko grow karne ke liye support chahiye kuch plant jo hai ground par hi rengta hai crawl karta hai ya creep karta hai तो उस आधार पर जो है प्लांट को हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट्स क्लाइंबर्स होता है क्रीपर्स होता है तो क्लाइंबर्स किसको बोलते हैं क्रीपर्स किसको बोलते हैं यह सारा कुछ हम लोग देखेंगे क्लाइंबर्स किसको बोलते हैं और क्रीपर्स किसको बोलते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या कि क्लाइंबर किसको बोलते हैं क्लाइंबर मतलब ऐसा प्लांट जिसका स्टेम क्या हो वीक हो मतलब मैं समझोगी एक प्लांट हूँ क्लाइंबर हूँ ठीक है मैं नहीं रुक पा रहा हूँ मेरा स्टेम इतना कमजोर है पैर इतना कमजोर है कि मैं बार बार क्या हो जा रहा है गिर जा रहा हूँ ठीक है गिर जा रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट के लिए क्या करना होगा ये पकड़ के खड़ा होना होगा बोर्ड को मींस बोर्ड मेरे लिए क्या हो गया सपोर्ट हो गया और तब इसके सपोर्ट से मैं क्या कर रहा हूँ ग्रो कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड
क्लाइंबर, उस तरह के प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। एग्जांपल में मनी प्लांट तुम लोग देखे हो, कितने वो बिना सपोर्ट का वो ग्रो नहीं कर सकता है, मतलब ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा, उसको किसी ना किसी तरह का सपोर्ट चाहिए। मनी प्लांट हो या फिर बीन्स हो सेम का, ठीक है, ये सबको सपोर्ट चाहिए होता है, विदाउट सपोर्ट वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक, आफ्टर देन हम लोग बात करेंगे किसका, क्रीपर्स का। तो क्रीपर्स ऐसे प्लांट होते हैं जो जमीन पर, ग्राउंड पर क्रॉल करता है, रेंगता है, या जमीन पर क्रिप करता है, रेंगता है, मींस क्रिप या क्रॉल मतलब होता है रेंगना, ठीक है, जमीन पर चलना, ठीक है, तो जमीन को, ग्राउंड को अपना सपोर्ट बनाकर चलता है जो प्लांट, ग्रो करता है जो प्लांट, उसको हम लोग बोलते हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या क्या है, ककंबर है, वाटरमेलन है, ये सारा कुछ है। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने देखा क्या कि उसको हम लोग, उस प्लांट का स्टेम कुछ का वीक होता है, कुछ का क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग स्टेम, वीक स्टेम, उसके अकॉर्डिंग जो है टाइप्स ऑफ प्लांट भी हो रहा है कि नहीं। अब टाइप्स ऑफ प्लांट उसके स्टेम के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हो रहा है, वो हम लोगों ने देखा कि क्लाइंबर्स होता है, क्रीपर्स होता है, ट्री होता है, तो ये सब जो है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेम। अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्लांट क्या होता है, प्लांट का मेन पार्ट कौन है, कहाँ का रहता है, इसका काम क्या है, हम लोग के लिए एडिबल सीड कौन है, फ्रूट में कौन कौन सा फ्रूट में सिंगल सीड होता है, कौन कौन का सा फ्रूट में बहुत सारा सीड होता है, ये सारा हम लोगों ने देखा। क्रीपर्स क्या होता है, क्लाइंबर्स क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा। मतलब कहने का कि हम लोगों को इस चैप्टर में इतना सारा कुछ पढ़ना था। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2। ओके, तो आप लोगों का होमवर्क है कि जितना भी मैंने पढ़ाया है और ये बोर्ड पे जो नोट्स दिख रहा है आप लोगों को, इससे आप लोग क्या करोगे, याद कर लोगे बढ़िया से, और एराइज क्वेश्चन बनाओगे, एराइज क्वेश्चन बनाकर फिर इसको जो है याद करोगे। मैं आप लोगों का कॉपी चेक करूंगा जब कभी भी स्कूल ओपन होगा। ओके, एंड यदि मिलता है कि आप नहीं लिखे हो तो मैं पनिशमेंट दूंगा, बहुत पनिशमेंट दूंगा, ठीक है, इसलिए सारा हार्ड वर्ड याद कर लेना, और जो भी मैंने अभी पढ़ाया है वो सारा अपने कॉपी में लिख लेना। ओके।